और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार दोपहर टीकमगढ़ पहुंचे। पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड से वाहनों के काफिले के साथ गांधी चौराहा पहुंचकर रोड शो की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। सीएम ने लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के साथ करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। प्रचार रथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ टीकमगढ़ लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और जिलाध्यक्ष अमित नूना साथ रहे। इसके अलावा जतारा विधायक हरिशंकर खटिक, निवाड़ी विधायक अनिल जैन, पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी, लोकसभा चुनाव के संयोजक विवेक चतुर्वेदी वाहन में सवार रहे। शहर के मिश्रा तिराहे पर रोड शो के समापन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी देश को तोड़ने की बात करते हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में सभी वर्गों के लोग एकजुट होकर देश के विकास में सहभागी बन रहे हैं। मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता जनार्दन के बीच में उनका स्नेह सहयोग आशीर्वाद मांगने के लिए रोड शो के माध्यम से टीकमगढ़ आए। टीकमगढ़ की जनता ने जिस स्नेह और आत्मीयता के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया, ऐसा कोई समाज बाकी नहीं था जिस समाज ने अलग से एक साथ खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत न किया हो, अभिनंदन न किया हो। ये सर्व समाज का स्नेह इस बात को बतलाता है कि जहाँ एक और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता देखने के लिए उनके साथ में संपर्क करने के लिए आतुर थी, वहीं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से जनता से अपील की और लोगों ने बढ़ चढ़ करके जिस तरह से अपना भावनाएं व्यक्त की, पूरा शहर ऐसा लग रहा था जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए आतुर होने के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वयं प्रेरणा से आगे आकर और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जनता जनार्दन खुद भाजपा के साथ चल पड़ी है, भाजपा से आगे निकल गई है।